अस्सलाम वालेकुम और हेलो एवरीवन। तीन शब्द हैं, एक वाक्य है। ये एक ऐसा वाक्य है, एक ऐसा सेंटेंस है जो हमने बहुत बार सुना भी होगा और हमने बहुत लोगों को बोला भी होगा। और वो मेरा मानना है कि एक बहुत ही हानिकारक चीज है जो आप किसी को बोल सकते हैं, और वो है कि लोग क्या कहेंगे। हम इतना ज्यादा सोचते हैं इन चीजों के बारे में कि लोग क्या कहेंगे, कि ये आप एक तरीके से दूसरे लोगों को कमजोर कर देते हो ये चीज सोचकर। और ये एक ऐसी चीज है कि जब लोग बुरा काम करते हैं तो तब वो ये नहीं सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये ज्यादातर उस वक्त बोली जाती है कि अगर आपको कुछ अच्छा काम करना हो या कुछ ऐसा काम करना हो जो अलग हो, जो पहले कभी किसी ने किया नहीं हो। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ इलॉन मस्क के बारे में। और शायद आपने पिछले हफ्ते पढ़ा होगा या टीवी पे देखा होगा कि एक रॉकेट लॉन्च हुआ था अमेरिका में SpaceX के नाम से। तो उसके बारे में आपसे उसको थोड़ा और मैं आपको अच्छी तरह समझाती हूँ कि वो हुआ क्या था और कि उसकी महत्वपूर्णता क्या है। और फिर एंड में बात करेंगे कि उसका इस टॉपिक से क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है लोग क्या कहेंगे से। तो इलॉन मस्क, वो साउथ अफ्रीका की उनकी पैदाइश है, वो आविष्कारक हैं, उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। दुनिया में अमीर लोग, दुनिया में जो सबसे पावरफुल लोग, शक्तिशाली लोग, लोगों में जिनका नाम होता है, वो उनमें इलॉन मस्क का नाम है। और स्टीव जॉब्स जो आईफोन जिन्होंने बनाया है, तो वो भी उनकी जैसी सोच थी, वैसे आपको दुनिया में बहुत बहुत ही कम लोग मिलेंगे कि उनके देहांत के बाद में ऐसा कोई भी नहीं है जो स्टीव जॉब्स की जगह ले सके। लेकिन उनमें एक नाम जो आता है, जो शायद सबसे करीब, शायद बोल सकते हैं कि स्टीव जॉब्स की जो लेगेसी है, जो जैसे विरासत है, वो इलॉन मस्क करीब पहुंचे हैं, उनका नाम आप बोल सकते हैं। वो बचपन से उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। और उनकी उम्र है 46 साल। तो जब उनका बचपना था तो तब तो कोई यूट्यूब भी नहीं था। अभी तो आप इंटरनेट पे जाके सब कुछ सीख सकते हैं बहुत आराम से, बहुत भाषाओं में चीजें हैं जो आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। उस वक्त उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के अपने आप को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सिखाई। और एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी जो एक सवाल होता है जो हमें अपने आप को पूछना चाहिए, वो आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है। और इलॉन मस्क बोलते हैं कि मुझे बचपन से ही ये चीज, मेरे माँ बाप ने, शायद उनका भी एक योगदान रहा है इस सोच के पीछे, कि आप ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया की भलाई के लिए कर सकते हैं। तो ये चीज उनके दिल में इतनी ज्यादा है कि मैं कुछ भी करूं तो उसमें ऐसा हो कि उसमें पूरी दुनिया की भलाई हो। और जब हम बोलते हैं पूरी दुनिया की, तो मतलब सिर्फ लोग नहीं बल्कि पृथ्वी भी, कि प्रदूषण इतना है तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, ऐसा क्या बना सकता हूँ जिसमें ना सिर्फ लोगों का फायदा हो बल्कि पृथ्वी का भी उसमें फायदा हो। तो ये सोच उनको, इस सोच के बल पे उन्होंने इतना सारा काम किया है। जैसे उनकी एक कंपनी है टेस्ला, जो आपने शायद सुनी होगी, उनकी गाड़ी बिजली से चलती है, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक कार। मैं जब पिछले महीने ओस्लो में थी तो उधर मैं सबसे पहली बार टेस्ला में बैठी थी। पेट्रोल पे, डीजल पे, इन चीजों पे ज्यादा निर्भर ना होके, कि हम उनको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि ऐसी कौन सी दूसरी चीजें हैं जो ऊर्जा पैदा कर सकती हैं। तो जैसे सोलार पैनल हैं जिनमें सूरज की किरणें होती हैं, जो सोलार पैनल के ऊपर गिरती हैं वो उनको बचा के रखती हैं उन पैनल्स में, और जब आपको जरूरत होती है तो वही चीजें, वही सूरज की किरणें फिर आप ऊर्जा का साधन बनती है। तो वैसे ही पानी भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सो दूसरी चीजें हैं। तो टेस्ला उन चीजों में, इलेक्ट्रिक कार में सबसे आगे है। और अब बात करते हैं जो रॉकेट लॉन्च हुआ था और उसमें खासियत क्या थी। तो SpaceX जो नाम है वो इलॉन मस्क की कंपनी का नाम है, जिसमें वो अंतरिक्ष के जो वाहन होते हैं उनको बनाते हैं। तो उनमें
उन्होंने ये बनाया रॉकेट. सो एक रॉकेट मेन होता है और उसके साइड में दो और, उसको बूस्टर बोलते हैं. तो प्लान ये था कि ये रॉकेट ऊपर उठेगा और कुल इसमें 27 इंजन हैं जो वजह से इतने ऊपर उड़ सकते हैं. प्लान ये था कि वो ऊपर उड़ेंगे, 1.5 मिनट के बाद में ये जो दो साइड में जो बूस्टर हैं वो वापस धरती पे आ जाएंगे, और ये जो बीच में जो मेन रॉकेट है ये पहली बार हुआ है. तो उसके अंदर एक टेस्ला गाड़ी थी. तो नॉर्मली क्या होता है कि जब, और इनको बोलते हैं टेस्ट फ्लाइट, के मतलब ये लोग टेस्ट करके देख रहे हैं कि ये जो हमने पूरा जो प्लान बनाया है इस रॉकेट की उड़ान का, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा. तो इनमें इंसान नहीं होते हैं क्योंकि बहुत खतरा होता है. तो टेस्ट फ्लाइट में क्या होता है, ज्यादातर वो लोग बहुत सारी वो ऐसी कुछ चीजें डालते हैं क्योंकि उनमें वजन भी होना चाहिए. उनमें ये भी टेस्ट होता है कि ये रॉकेट कितना वजन ले सकता है. तो लोग अलग अलग चीजें डालते हैं, लेकिन इलोन मस्क ने कहा कि मैं देखता हूँ, मैं इसमें मेरी गाड़ी डालना चाहता हूँ. तो उन्होंने अपनी गाड़ी और उसमें एक पुतला गाड़ी के अंदर डाला और उनपे छोटे कैमरा लगा दिए थे ताकि जब वो अंतरिक्ष में भी जाए तो वो कैमरा की फोटो धरती पर हमको दिख सकते हैं कि वो गाड़ी अभी है कहाँ. तो प्लान ये था कि ऊपर जाएंगे, रॉकेट ऊपर जाएगा, दोनों बूस्टर नीचे आ जाएंगे वापस धरती पे, और वो जो बीच का जो मेन रॉकेट है वो उड़ता रहेगा अंतरिक्ष के अंदर. और उसकी क्या अंदर सवारी क्या होगी, उसकी उसका सफर कैसा होगा. और अब वो पूरी तरह से कामयाब हो गया है और इसपे बहुत ज्यादा साल लगे हैं, इसपे बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं, करीबन $600 मिलियन लगे हैं इसके ऊपर. सबसे जो आप YouTube पे जाएंगे इसका वीडियो आपको जरूर मिलेगा. सबसे अच्छी जो चीज इनको, मैं लाइव देख रही थी इसको इंटरनेट पे, कि वो जो दो बूस्टर है साइड में, वो जब आकर, ये नहीं है कि वो जब जमीन पर आते हैं तो धड़ करके गिर जाते हैं किधर या ब्लास्ट हो जाता है, वो जमीन पर आकर वैसे ही खड़े हो गए. तो वो इतना सबसे अच्छा जो उसका एक्सपीरियंस था वो सारा देखने का, वो कुछ ऐसा था कि जैसे आपको लगेगा कि अंग्रेजी फिल्म में हम कुछ देख रहे हैं. तो वो पूरे जो मिशन था वो कामयाब हुआ और अभी टेस्ला गाड़ी अंतरिक्ष में है और वो वही जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर ही वो घूमती रहेगी 1 बिलियन सालों के लिए. जो मेन फिर रॉकेट का हिस्सा होता है वो नीचे आके पानी में क्रैश हो जाता है जो हुआ. तो इसके कामयाबी से अब ये होगा कि अभी तक अंतरिक्ष में जब हम कोई भी वाहन कुछ भी भेजते हैं तो वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, उसमें बहुत पैसे लगते हैं. और इलॉन मस्क की कोशिश ये है कि अंतरिक्ष में जाना एक आम बात हो जाए, कि शायद कुछ सालों में हम अंतरिक्ष में जाना ही कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं समझेंगे. तो अभी उनके जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पूरे अमेरिका में सिर्फ 3 कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष में जाने का काम उनका होता है, तो उनमें से एक है SpaceX. और उनकी कोशिश अब ये है, जो अगला वो करेंगे, सैटेलाइट लेके जाएंगे जो सऊदी अरेबिया ने उनको प्रोजेक्ट दिया है, तो वो सैटेलाइट उनको अंतरिक्ष में छोड़ के आना है. तो ऐसे जो काम है, जैसे आप समझ लीजिए अंतरिक्ष में डिलीवरी करवानी होती है, अब इसका आप सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, से क्या कनेक्शन है. इसका कनेक्शन ये है कि जैसे इलॉन मस्क जब 12 साल का था तो रैगिंग हुई थी उसके स्कूल में, और उसको एक्चुअली इतना ज्यादा पीटा था लड़कों ने कि वो बेहोश हो गए थे. अगर हम हमेशा यही सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, या किसी ने आपको ऐसी कोई बात की कि आपको लगा कि शायद अब मुझे अपने खुद पे यकीन नहीं हो रहा है, और आप उन चीजों को छोड़ देंगे, तो लोग जो इतनी बड़ी महान चीजें करते हैं वो शायद नहीं करते. जैसे एक छोटा सा मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि जब मैं टेट शेखावाटी कर रही थी 2010 में, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें सुनने को मिली थी कि ये हमारे माहौल के लिए अच्छा नहीं होगा, ये आप लड़की हो आपको ये चीजें नहीं ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, और बहुत सारी बातें हुई थी उस वक्त. तब मुझे बहुत लोगों ने कहा भी था कि इसको क्यों कर रहे हो, क्यों इतना, क्यों लोगों से इतनी बातें सुनना पड़ रहा है, क्यों क्यों ये चीज करना है. मैं आपको इधर एक चीज और बताती हूँ कि बुरा बनना एक बहुत मुश्किल चीज है. मुझे सिर्फ एक, मेरे दिमाग में ये था कि अगले 5 सालों में अगर हम अभी ये चीज कोशिश शुरू करेंगे कि लोग, नए लोगों को सुने, 5 सालों में
जरूर कुछ बदलाव आएगा और अच्छा बदलाव आएगा। और अभी मैं जब आती हूँ फतेहपुर तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि पहले ऐसे बहुत लोग थे जो शायद अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं समझते थे कि जरूरी है, लेकिन अब पूछते हैं कि अगला टेट कब है और कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां वो सब पढ़े, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी ये कोशिश है कि अगर, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर 2010 में मैंने उस वक्त लोगों की बातें सुनी होती तो शायद आज ये डिजिटल चर्चा नहीं होता, शायद मैं फिर फतेहपुर आती नहीं, शायद मैं 10 साल में एक बार फतेहपुर आती। एक लेवल पे पहुंचकर आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि जो जिस नीयत से आप जो काम कर रहे हो अगर वो अच्छी है तो उसको करिए, तो उसमें आपको किसी के डरने की जरूरत नहीं है। और हमें भी ये चीज एक सीखनी चाहिए कि हम जब लोग कुछ अपना नया आइडिया शेयर करते हैं, क्या हमको, हमने ये किसी को बोला है कि लोग क्या कहेंगे, या क्या हम उसको बदल के ये कर सकते हैं कि उनको ये कहें कि हाँ ठीक है एक बार ट्राई करके देख लो क्या होता है, तो अगली बार आप ये चीज बोले लोग क्या कहेंगे, तो थोड़ा सा एक और बार उसको सोचिएगा जरूर कि क्या ये चीज किसी की भलाई के लिए है, क्या उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, क्या किसी को आपको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, कि आपका सिर्फ एक ये बोलना कि ठीक है ट्राई करके देखो क्या वो काफी है। तो अब मैं आपको छोड़ के जाऊंगी ये वीडियो के साथ, इसके एंड में मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक से एक जुड़कर, एक हम अगला किसी दिन बात करेंगे नाकामयाबी पे, कि आप जैसे नाकामयाबी पे देखते हो, और लंदन में इधर तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं जिधर लोग आकर जो जिन भी चीजों में नाकामयाब हुए हैं उनके बारे में आके कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, दुनिया में सबसे टॉप में है प्रिंसटन, उनके एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने, जैसे आप बायोडेटा लिखते हो अपना कि आपने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, उन्होंने बायोडेटा बनाया उन सारी चीजों का जिनमें वो फेल हुए हैं, तो जिनमें उनको निकाला गया शायद नौकरियों में बहुत चीजों में जिसमें फेल हुए, तो वो दूसरे दिन के लिए रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक टॉपिक आप जब शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ने लगती हैं। और अभी मैं आपको स्टीव जॉब्स का एक 20 साल पहले, 20 साल होगा शायद उसको, उसका नाम है थिंक डिफरेंट, के अलग अलग तरीके से सोचिए, तो वो मैंने हिंदी में भी मुझे उसका ट्रांसलेशन मिला है, तो मैं अभी उसको अभी डालूंगी, और अब उसको पढ़िएगा जरूर क्योंकि वो उसमें इतनी अच्छी आते हैं, इतनी अच्छा वो है कि आप लोगों को देखकर बोलेंगे कि वो शायद पागल है क्योंकि वो कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन यही वो पागलपन है, ऐसा ही वो पागलपन है जो लोगों को आगे लेके जाता है। और उम्मीद है कि आप सब आएंगे टेरशेखा वाटे में जो 24 फरवरी को हो रहा है अपने पूरे परिवार के साथ, मेरा इसे इनविटेशन आमंत्रण ही समझिए, आप सब इंशाल्लाह आएगा जरूर। अगले हफ्ते तक फिर मुलाकात होगी।